सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ताजमहल पर लिखा है ओम, उसके गुंबदों पर फहरा रहा है भगवा झंडा। आखिर ये है क्या? क्या वाकई ताजमहल पर किसी ने भगवा झंडा फहरा दिया और इसके गुंबद पर ओम लिख दिया, या फिर ये कोई फेक इमेज है? सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल हो गई, लेकिन क्या है इस तस्वीर का सच और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद क्या बवाल हुआ, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल यह कारनामा है इनका, इनका नाम है अमित जानी। मेरठ के रहने वाले और खुद को नेता कहने वाले अमित जानी ने पब्लिसिटी के लिए ताजमहल के नाम का इस्तेमाल कर डाला। आरोप है कि अमित जानी नाम के इस नए नवेले नेता ने फेसबुक पर ताजमहल का भगवा फोटो लगाने के साथ ही सभी हिंदुओं से 3 नवंबर को ताजमहल पहुंचने का ऐलान कर दिया था। इसी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी पड़ताल और आगे बढ़ी तो अमित जानी के बारे में कुछ और दिलचस्प जानकारियां सामने आई। दरअसल अमित को विवादों से चर्चा में आने का पुराना शौक है। उसने समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद मायावती की मूर्ति भी तोड़ी थी, तब भी कई दिनों तक वो चर्चाओं का केंद्र बना रहा। इस बार वो समाजवादी पार्टी से बागपत की सीट के लिए टिकट का आवेदन कर चुका है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हो रहे हमलों को देखते हुए उसने उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का गठन भी किया था, जो शिव सैनिकों के खिलाफ लड़ती थी। वैसे अमित पर कई संगीन आपराधिक मामलों में शामिल रहने का आरोप है। कई मामलों में अमित पर इनाम भी घोषित है। ताजमहल पर भगवा झंडा लगाकर फोटो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तारी के बाद उसने योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। उसने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद ताजमहल को तेजो महालय कहना भूल गए। अमित ने पुलिस से संगीत सोम को गिरफ्तार करने की भी अपील की। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने ही ताजमहल को हाल ही में तेजो महालय कहा था। ताजमहल का बवाल थम ही नहीं रहा। कभी कोई विवादित बयान देता है, कभी कोई ताजमहल में पहुंचकर शिव चालीसा का पाठ करने लगता है, तो कभी कोई ताजमहल का भगवा फोटो डालकर अपनी गिरफ्तारी को आमंत्रण दे रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।